Hello students, you are welcome in maths class. Today I am here with part 5 of exercise number 13.2. Today I will tell you question number 9 from this exercise. Let us see, find the difference in the compound interest on rupees 6000 for 1 year at the rate of 4% per annum. If in the first case interest is paid half yearly, this is important, half yearly, and in the second case quarterly. About half yearly and quarterly I had told you in previous video. So let us here find the difference. करा है कि डिफरेंस आप बताइए, इसमें बताना है इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज सिक्स थाउजेंड रुपीज पर डिफरेंस आपको बताना है. वन ईयर का टाइम बता रहा है एनुअली, रेट 4% पर एनम. इन द फर्स्ट केस इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट अगर पेड किया जाएगा तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा. और क्वार्टरली, पहले आप चलिए दोनों का हाफ ईयरली रेट निकाल लेते हैं और टाइम निकाल लेते हैं. तो हाफ ईयरली अकॉर्डिंग हाफ ईयरली ऑफ ईयरली पहले लिख लेंगे हम कि क्या क्या दिया गया है. तो दिया गया है पी इज इक्वल टू रुपीज सिक्स थाउजेंड. उसके बाद रेट है, रेट मीन्स आर. वन ईयर का 4% है तो हाफ ईयर का 4/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%. ये रेट हो गया. और टाइम, टाइम होता है 12/4 कर दीजिए तो आ जाएगा 3. क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ का क्वार्टर बनेगा. इसका मतलब हो जाएगा कितने क्वार्टर हो जाएंगे इसमें, 3 मंथ का 4 क्वार्टर हो जाएगा. 3 मंथ से आप डिवाइड करेंगे तो 4 क्वार्टर हो जाएगा, मतलब टाइम हो गया 4. अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा a = p × 1 + r/100 / tRn. तो a = p आपका कितना है, 6000 है. 6000 × 1 + r 2 है 2/100 और पावर t, 2 × 2 = 2, 5 × 10 ये हो गया 50, 50 × 50 और 151 हो जाएगा. तो ये होगा आपका 6000 × 50 × 50 और 151. और टी, पावर टी कितना है, टाइम, टाइम 2 होगा, यहां पे हाफ ईयरली के निकल रहा है. तो 6 × 6 = 6 मंथ का हाफ ईयर होता है इसलिए 6 से डिवाइड किया गया. क्वार्टर 3 मंथ का होता है तो जब क्वार्टरली आप निकालेंगे तो 3 का डिवाइड होगा. तो यहां पर 2 आ गया, टाइम हो जाएगा 2. तो 50 × 50 और 151 / 50 × 50 ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे. इधर हो जाएगी ये आपका 60 बचा, 60 × 51 फिर मल्टीप्लाई 51 / क्या बचा है, 5 × 5
फाइव मल्टीप्लाई फाइव, तो फाइव से इसको डिवाइड कर दीजिए, ट्वेल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी ट्वेल्व मल्टीप्लाई फिफ्टी वन मल्टीप्लाई फिफ्टी वन अपान यहाँ फाइव अपान फाइव हो जाएगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी टू पॉइंट फोर। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे और मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा सिक्स थाउजेंड इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी टू पॉइंट फोर आ जाएगा। ये आपका क्या आया ए ए इज इक्वल टू। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इतना आ गया, तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमने बताया था क्या करेंगे ए माइनस पी, ए माइनस पी तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए कितना था 6242.4 माइनस 6000, 6000 करेंगे 4 आ जाएगा 2 4 2 242.4 ए आपका आ गया सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये किस बेस पर था, अकॉर्डिंग हाफ ईयरली। अब आप यहां चलेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली क्वार्टरली में अब आप का पी वही होगा पी 6000 और आर आर रेट जो है अब आप इसमें फोर से डिवाइड करेंगे क्योंकि रेट के लिए आप क्या करना पड़ता है यहां टू हाफ ईयर होता है और क्वार्टर कितना होगा थ्री मंथ का क्वार्टर होगा तो फोर क्वार्टर होगा तो रेट में आप फोर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा फोर अपॉन फोर ये आपका आ जाएगा वन रेट हो जाएगा और रेट वन हो गया टाइम कितना होगा टाइम ट्वेल्व अपॉन इसमें फोर का डिवाइड करेंगे फोर थ्री जा और सॉरी थ्री थ्री मंथ का जो है वन क्वार्टर होता है तो थ्री से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टाइम फोर हो जाएगा। और फिर वही काम आपको करना है ए इज इक्वल टू होता है पी पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड पावर टी तो ये हो जाएगा पी पी मीन्स हो जाएगा सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई वन प्लस आर यहाँ पर वन है वन अपॉन हंड्रेड पावर टी कितना आया है टाइम आप देख लीजिए फोर आया है तो पावर फोर हो जाएगा। अब हंड्रेड वन जा हंड्रेड और वन वन हंड्रेड वन अपॉन हंड्रेड होगा ये आपका हो जाएगा सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई वन हंड्रेड वन अपॉन हंड्रेड पावर फोर। इसका मतलब 6000 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 फोर बार क्योंकि पावर इसकी फोर है। क्लियर, इसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो जीरो कट गया और ये वन जीरो आपका इससे कट जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6243.62 आ जाएगा। ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में करना क्या है, यहाँ 6 बचा है 6 मल्टीप्लाई 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 जब इसको इस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 10 बचा है 100 इंटू 100 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे और उससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका 6243.62 आएगा। आप देखिए ये आपका जो आया है ये ए आया है, ए इज इक्वल टू आप निकाल रहे हैं तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा
सी आई इज इक्वल टू होगा 6,243.62 में से 6,000 आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 62 और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है 6 होगा और फिर पॉइंट हो जाएगा 3 और फिर 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 4 होगा आपका, तो हो जाएगा 243.62। अब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो डी इज इक्वल टू पहले कितना आया था 6 242.4, इधर कितना आ गया 243.62 माइनस 242.4, यहां 2 आ गया 6 माइनस 4 ये भी 2 हो जाएगा और यहां 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा, क्या आ गया 1.22 आंसर आपका हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू आंसर यहां लिख देते हैं, आंसर आ गया 1.22, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। नोट डाउन होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2 होमवर्क हो जाएगा कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू एक्सरसाइज नंबर 13.3।